नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। हम आज नजीब अहमद के बारे में बात करेंगे। नजीब अहमद आप जानते होंगे, जो जेएनयू का स्टूडेंट है और जो 15 अक्टूबर 2016 से ही लापता है, और अब तक उनका नजीब अहमद का भी कोई सुराग नहीं मिला है। और आज ये खबर आई है कि यह अब सीबीआई जांच करेगी कि नजीब अहमद कहां पर है। हाँ दोस्तों, सीबीआई ने अब ये केस अपने हाथ में ले लिया है। नजीब अहमद के बारे में थोड़े सा प्रकाश डाल लेते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर ये पढ़ाई करते थे, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है उसके प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, और जो इनका रेजिडेंस उत्तर प्रदेश बदायूं ज़िले के अंदर है, और ये हॉस्टल के रूम नंबर 106 के अंदर ये रहते हैं, और जो इनकी उम्र 27 साल की है, और इनके रूममेट का नाम मोहम्मद कासिम, और जो गुमशुदी जिस दिन ये गायब हो गए थे उसकी डेट 15 अक्टूबर 2016 है। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको बता दूं कि उस दिन जो 15 तारीख को गायब हुए थे, तो उससे पहले कुछ हुआ होगा तभी तो ये गायब हुए। तो उस दिन क्या है, जो न्यूज़ 18 है उसके खबर के अनुसार हम माने कि हॉस्टल के उस समय मेस के जो सचिव पद के लिए चुनाव चल रहे थे, और उसके अंदर जो विक्रांत यादव है वो नजीब के कमरे के अंदर आया था प्रचार के लिए। इस दौरान दोनों के अंदर कासुनी हो गई, और जो एबीवीपी से जुड़े कई लोगों का ये भी कहना है कि जो नजीब अहमद ने विक्रांत के थप्पड़ भी मार दिए, और विक्रांत ने छात्र संघ के कुछ अधिकारियों को बुला के लिए आए थे उस समय। लेकिन दोस्तों उस समय तो दोनों पक्षों के अंदर सुलह हो गई थी, और लेकिन फिर बाद में जब वो अचानक 15 तारीख को गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला कहां पर है, तो अब लगता है कि जब सीबीआई इस केस की जांच करेगी तो हो सकता है कि इसको सीबीआई ढूंढ ले नजीब अहमद को। ये सबके लिए बढ़िया है। इसके ऊपर राजनीति भी काफ़ी हो रही थी और अभी भी हो रही है, और आगे भी अगर नहीं मिले तो होती रहेगी राजनीति। लेकिन ये राजनीति की बात नहीं है दोस्तों, इनके जो नजीब अहमद हैं इनके माँ बाप को भी तो इनकी तलाश होगी। वो भी तो इतने साल से, मतलब 1-1.5 साल हो गया जब से परेशान है दोस्तों। तो नजीब अहमद को सीबीआई को ढूंढ लेना चाहिए, और हम जो आज की खबर चैनल है वो भी यही दुआ करते हैं कि नजीब अहमद जल्दी मिल जाए और ये राजनीति का अंत हो। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।